एक समय गुरु शुक्राचार्य ने असुरों के राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान किया। उनका 100वां यज्ञ यदि पूर्ण हो जाता तो राजा बलि अनंत काल के लिए इंद्र पद पर आसीन हो जाते। राजन, आपको बधाई हो कि आपका 99वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया। अब केवल एक यज्ञ रह गया है, यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा। गुरुदेव, अवश्य। सृष्टि को इस परिस्थिति से बचाने के लिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने वामन के रूप में धरती पर अवतार लिया। जिस समय राजा बलि 100वें यज्ञ का संकल्प करने जा रहे थे, उसी समय वामन भगवान एक ब्राह्मण बटुक के रूप में दान मांगने के लिए बलि की यज्ञशाला में पधारे। महाराज की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है। जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। गाय, सोना, मणि, माणिक, बड़ा घर, संपत्तियों से भरे हुए गांव, हाथी, घोड़े, रथ, जो इच्छा हो मांग लीजिए। हम वचन देते हैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। हे असुराज, मैं जानता हूँ कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो। परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 डग भूमि? जी। आपके पैरों से नाप कर 3 डग भूमि? जी। ब्राह्मण कुमार, हम तीनों लोकों के एकमात्र अधिपति हैं। हम सप्तद्वीप नवखंड आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हमसे इतना मांग लो कि जीवन में दोबारा किसी और से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे सामर्थ्य अनुसार मांगो ताकि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। संसार में सब कामनाएं किसकी पूरी होती हैं राजन? मनुष्य जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। आपके पास सारी धरती है, उससे क्या आपकी कामनाएं तृप्त हो गई हैं? नहीं, आपको अब स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ है। सो लालसा और लोभ जितना बढ़ाओ उतने ही बढ़ते जाते हैं। सो हे राजन, मैं आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए अपने लिए केवल 3 पग धरती मांगता हूं। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। तो मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प करिए। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं, वो देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं।
ये तीन पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय होगा और वैसे भी आपको अपनी संपत्ति से केवल पांचवां भाग ही दान करने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने धन को पांच भागों में बांट दे, एक धर्म के लिए, एक यश के लिए और एक धन की अभिवृद्धि के लिए व्यापार में लगा दे, एक भोगों के लिए रखे और एक स्वजनों की सहायता करने में लगाए। विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बचे ही नहीं, इसलिए ऐसा प्रमाद न करें असुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपसे 100 यज्ञ करा रहा हूं वो सारा फल तो ये ब्राह्मण छल से ले जाएगा। गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य किसी अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी शोभा की बात होती है, और यदि यह सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं तो मेरे लिए यह गौरव की बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं, ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? अरे मूर्ख, है तो तू अज्ञानी परंतु स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है, तू मेरा अपमान कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। गुरुदेव, मुझे आपका श्राप स्वीकार है परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराध्ये श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे युगे। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित तीन पग धरती दान करता हूँ। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से तीन पग धरती नाप कर ग्रहण करें। दैत्यराज बलि, तुमने मुझे तीन पग भूमि देने का वचन दिया था,
दो पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, एक पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूं। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। बली, तुम सचमुच तृण प्रतिज्ञ हो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है, अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनमंत्र में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रह्लाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा पास ही देखोगे।